नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। पीछे आप देख रहे होंगे एक पोस्टर लगा हुआ है टाइगर का, और आज जो मैं वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूं वो एक टाइगर अटैक सर्वाइवर का मैंने इंटरव्यू लिया था किशनपुर में, उसी के ऊपर है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाकी आप देखिएगा। कुछ बच्चे थे उस छोटे से गाँव के, किशनपुर से एडजॉइनिंग जो गाँव लगता है, क्योंकि मैं क्रिकेटर भी हूँ, मैंने बहुत सी ड्रेसेस, अपने की चेन, अपने टी शर्ट्स उन बच्चों को एकेडमी के, क्रिकेट वाली एकेडमी के दिए। कुछ को मैंने अपनी जो वाइल्ड लाइफ की चैनल की टी शर्ट्स हैं, कुछ फॉरेस्टर्स को दिए, कुछ स्टाफ को दिए, कुछ हमारे जो ड्राइवर्स हैं या जो हमारे साथ जाते थे गाइड्स, उनको सब हमने दिया है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक बंदा टाइगर के मुँह से 2 फिट की दूरी से बच के आ गया। इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि टाइगर का शिकार इंसान ज्यादातर नहीं रहता है। इंसान ने अपनी हरकतों से उसको मजबूर कर दिया है कि वो अब इंसानों की तरफ आने लगा है। वो ये जो वीडियो आप देखेंगे उसमें साफ पता है कि उसने उसको पकड़ा, पहले हाथ से पकड़ा, फिर पैर से पकड़ा, फिर बहुत जल्दी छोड़ दिया, बिकॉज वो जिस चीज से थोड़ा सा भितक गया था या इरिटेट कर गया था वो चीज़ उसके हाथ से झलक के अलग हो गई थी, उसका ध्यान वहाँ चला गया और यही जल्दी से भाग के निकल गया। तो ये छोटा सा वीडियो है, ये डाल रहा हूँ, इसमें इंटरव्यू भी है, कुछ बच्चों को जो मैं सामान दे रहा हूँ उसकी तस्वीरें भी हैं, ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को देखिए, इंजॉय करिए, सब्सक्राइब करिए और इसमें शेयर करिए लोगों के साथ। क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैंने अपने तजुर्बे के टाइम पर की है, जब मैं जंगलों में था फादर के टाइम पर की है, और कुछ जो मैं इस समय लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद ले रहा हूं उसके ऊपर है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप खुद देखेंगे। थैंक यू। कटैया कटैया तो ये कटैया गांव से हैं और इनके ऊपर एक बार अटैक हुआ था। दिनेश तुम अब हमें बताओ कि वो अटैक कैसे हुआ, कब हुआ था, क्या सिचुएशन, कितने साल पहले की बात? 3 साल। तो हाल की बात है। हाँ, क्या हुआ था, कहाँ पर अटैक हुआ था, किस एरिया में? अंदर ही हुआ था कि यहाँ हुआ? बाहर हुआ था। बाहर कहाँ? रिवर साइड, यानी बाहर ये से निकल गया शारदा रिवर साइड। अच्छा, शारदा रिवर साइड। क्या हुआ था? वो गेहूँ बचा रहे थे अपना। हाँ, उसमें किसी की आवाज आई। हाँ, तो उसे हमने टाच लगाई। हाँ, अजी ये रात का था? हाँ हाँ, रात 11 बजे। तो टाच लगाए तो मेरे ऊपर पहुंच गया। बहुत नजदीक आ गए थे क्या उसके? हाँ, जब दौड़ा तो मैंने ऐसे वहाँ कर तो ये पकड़ा, तो गिर गए, फिर दौड़ा, फिर टांग बचाई गया, फिर टांग चलाई तो टांग पे पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया, फिर साइड में हो गया, फिर परे रहे बहुत देर, फिर दोबारा अटैक नहीं किया? नहीं, दोबारा नहीं किया, क्योंकि वो टांग जल रही थी ना, उसी को देख रहा था। अच्छा, वो मेरे को इरिटेट कर गया वो लाइट से। हाँ, फिर हमने उसके चले गए, फिर पता लग गया मछली मर गया। आप तुम्हारा पीछा नहीं किया? नहीं, पता नहीं किया। वो इंटेंशन उसका मारने का नहीं होगा। तो आप तो अब इनके लिए मेरे पास ये, यार इन्होंने काम तो किया है, नहीं ये मैं एकेडमी का दिनेश, तुमने बहादुरी से उसका सामना किया और तुम बच गए। शेर के अटैक से बचना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तुम्हें जो ये कम दे रहा हूँ मैं, ये मेरी क्रिकेट अकेडमी का, ठीक है, ये मेरी क्रिकेट है तुम्हारे लिए, कि तुमने अपने हिम्मत से काम लिया और अपने आप को शेर के अटैक से बचाया। और ये छोटी सी एक चेन है मेरी वाइल्ड लाइफ की, इसमें जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, देखो मेरी कहानी है। कितनी बार जबड़े में गया, वापस आ गया, जैसा दिनेश की कहानी है, इसके ऊपर तो अटैक हो गया, मेरे ऊपर ऊपर वाले की कृपा से अटैक नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा संभला हुआ था मैं, जानकारी थी पिताजी की वजह से, जंगल के लोगों की वजह से। मेरे नाना जी ने एक रात में 2 आदमखोर मारे, वो भी कहानी डालूंगा। एक रात में 2 आदमखोर मध्य प्रदेश में। मेरी माँ ने एक लेपर्ड को मारा, तो हम उस फैमिली के हैं। हमारे टाइम पे इत्तेफाक से बड़े शिकार हम नहीं कर सकते थे, जब तक कोई मैनेटर डिक्लेयर नहीं हुआ, पर मेरी उम्र छोटी थी और वधू का शौक बहुत था, पर पिताजी ने ये बोल दिया था कि अगर बड़े जानवर पे फायर किया और जेल जाओगे तो हम छुड़ाएंगे नहीं। तो मैं जिंदगी में किसी भी बड़े जानवर को
का शिकार नहीं कर पाया। अब तो खैर मैं कंजर्वेशन पे ज्यादा आ गया हूँ, लोगों पे ये बात बांट रहा हूँ कि हमें जंगलों को, आज आप लोग आए हो, आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूँ, ये फॉरेस्ट वाले भी खड़े हुए हैं, हम ऐसे सरकार उत्तर प्रदेश की हो उत्तराखंड की हो, एक शेर के ऊपर एक रुपए का खर्चा करते हैं, क्योंकि शिकार तो वो अपने ही करता है ना, आप जाके मीट तो नहीं फेंक के आते हो, जंगल में शेर अपने ही करता है शिकार, और शिकार शेर हमें लौटाता कितने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और स्टेट को 4,500 रुपया एक शेर लौटाता है, समझ गए, तो हमारे लिए शेर कितना कीमती है, कितने लोगों को वो रोजगार देता है। अगर शेर नहीं होगा तो क्या अभिजीत सिन्हा इस जंगल में आएगा? नहीं आएगा, हिरण देखने के लिए नहीं आएंगे, शेर का चांस ही लेते हैं, इसीलिए देखते हो कि जब शेर नहीं दिखता है किसी को सफारी में, वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, मैम भी हो जाती है, अब की बार तो खैर इनको दुधवा में वहां पर फॉरवर्ड में बहुत जबरदस्त किया, तो मैं इनसे बोलता हूँ शेर ही देखना है तो तुम भैया आप जू चले जाओ, जू जानते हो ना, जू किसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं जू को, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर जाले चलाओ, शेर आपको तमाम दिखेंगे, तमाम मैनेटर पकड़े हुए हैं। मैं जब पिछली बार यहाँ बिजली नहीं थी, मैं दुधवा में था, दुधवा में लोर कैपिचिनो में था, और मैं वॉक करता हूँ रोज सुबह, मैं जाता था दुधवा की तरफ, और 3-4 दिन और ये लोग तो सोते रहते थे, मैं वॉक भी करके आ जाता था, जब मैं आ गया उसके बाद एक स्टोरी आई थी कि एक टाइग्रेस ने एक सरदार जी को, एक सरदारनी को और एक पंडित जी को 2 दिन के अंदर 3 शिकार, वो बफर जोन था, वो कौन सा जोन था जहां मैं वॉक करता था, तो मेरी किस्मत अच्छी थी ना, अगर वो सुबह सुबह एकदम 5 बजे को जा रहा है, ट्रैफिक भी नहीं रहती, अगर वो मेरे रेंज में होती तो क्या छोड़ती, अगर वो मैनेटर हो गई है, अगर आदमखोर हो गई तो नहीं छोड़ती, बट मेरी किस्मत अच्छी थी, वो बेचारे फंस गए, तो मैनेजर ने डर के मारे मेरे को फोन करा कि सर आपको हमने मना किया था उधर मत जाए, वो दिखती है। हो गया, फिर आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो गया, आप लोग को अच्छा लगा, हाँ इस्तेमाल करिएगा सब लोग, ठीक है, थैंक यू। इनका इनका नाम एक बार और बताते हैं, हमको याद रखना पड़ेगा, दिनेश जी, दिनेश कुमार की स्टोरी है, ये मैं डालूंगा अपने यूट्यूब में, फिर इसको भेज दूंगा, या हमारा ये जब सब्सक्राइब कर दोगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं आएगा बैक फ्रॉम द जॉब यूट्यूब चैनल, तो वो स्टोरी भी डालूंगा, क्योंकि आप बच्चे हो, अच्छा ये बड़ी भारी बात होती है। और कोई ऐसा है जिनकी इस एरिया में डेथ हुई है? अभी तक ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ ना यहाँ, ऐसा कोई कॉर्बेट में तो आम हो गया, कॉर्बेट में तो बहुत कहानी है, यहाँ पे नहीं हुआ एनिमल्स को अच्छी। देखो एक बात बताएं, दूसरी किशनपुर में और कॉर्बेट में फर्क क्या है, क्योंकि कॉर्बेट में होने लगी है भीड़ ज्यादा, जानवर इरिटेट करते हैं यार, ये जो अपने इंजन की आवाज है ना, मैं अगर शेर हूँ और मेरे को 10-10, 12-12 गाड़ियां खड़ी हो गई है देखने के लिए, और वो इंजन की आवाज फिर बंद हो गई, फिर चलने लगी, तो उससे भी इरिटेशन होने लगा, और कुछ को चोट जो चोटिल हो जाते हैं, फिर वो जानवरों को नहीं पकड़ पाते, इंसान से सरल कोई शिकार नहीं है ना, साला इंसान भाग पाए ना, ताकत है तो मालूम है, हम लोग शेर के लिए क्या है, मक्खन, ब्रेड में मक्खन देखता है, तो हम शेर के लिए एक मक्खनी है, एक पंजा मारा हम नीचे और दूसरे में पकड़ लिए, खत्म। चलिए आज का कार्यक्रम यही रोकते हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको अच्छा लगेगा, चैनल देखना, सब्सक्राइब करना, व्यू करना, बहुत अच्छी कहानी आने वाली है, और कम से कम जो मेरी कहानी है, मेरी अपनी, मेरे पिताजी की, मैं किसी की कहानी, बट ऐसी जैसी स्टोरीज आएंगी तो मैं डालूंगा, थैंक यू, ठीक है।
हाँ पारुल को गुड आजा जोड़े में कौन रह गया जिसमें कितनी मिला।